ईरान ने फारस की खाड़ी में दो नए युद्धपोतों को उतार दिया है। 600 टन के ये युद्धपोत क्रूज और एंटी शिप मिसाइलों से लैस हैं। ईरानी नौसेना के ये नए युद्धपोत सुलेमानी सीरीज के हैं। इनका नाम ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है। सुलेमानी की 220 में इराक के बगदाद में एक ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। ईरान के इन नए जंगी जहाजों की क्षमता को देखते हुए इनको समुद्र का साइबर ट्रक भी कहा जाता है। इस स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने विश्व स्तरीय युद्धपोत तैयार कर लिए हैं। 65 मीटर लंबे युद्धपोत 45 समुद्री मील यानी तकरीबन 52 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकते हैं और 700 किलोमीटर की दूर पर लक्ष्य पर हमला करने में भी सक्षम है। युद्धपोतों की ये जोड़ी मिसाइल और वायु रक्षा प्रणाली से लैस है। बता दें कि इसमें मिसाइलों के लिए ईरान की नई नवल वर्टिकल लॉन्च प्रणाली है। 420 मिलीमीटर के ट्रिपल बैरल्ड गैटलिंग बंदूक के 130 मिलीमीटर के ऑटो कैनन और 16 सैयद सीरीज SAM और 6 अबू महदी नौसैनिक क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। बता दें कि इन जहाजों में एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 3 हमलावर नौकाएं भी होती हैं। ईरान के रियर एडमिरल अलजी रेजा तांगसी ने कहा है कि युद्धपोत शांति का संदेश फैलाने का इरादे से लॉन्च किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई समस्या पैदा करने की कोशिश करेगा तो जहाज उसको जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के ये दोनों युद्धपोत फारस की खाड़ी और अरब सागर की ओर बढ़ रहे हैं। इस जगह से कुछ ही दूरी पर हूती विद्रोहियों ने हाल ही के दिनों में इसराइल और अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाया था। ईरान स्पीड बोट प्रभुत्व वाली तटीय रक्षा रणनीति से आगे बढ़कर एक वास्तविक नौसैनिक शक्ति की ओर बढ़ना चाहता है। वहीं सशस्त्र बलों के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अजीज नसीरा जेहे ने कहा है कि ईरान हिंद महासागर की ओर समुद्र में क्षेत्रीय और अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्ति विकसित करने का इरादा रखता है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि वह हूतियों की मदद कर रहा है। अमेरिका कहता है कि हूती ईरान के इशारे पर ही उसके जहाजों का लाल सागर पर हमला कर रहे हैं। वही ईरान ने समुद्र का साइबर ट्रैक बना करके अमेरिका सहित कई अन्य पश्चिमी देशों की नींदें भी उड़ा दी हैं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।